हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विद अर्णव। तो आज है 14 जुलाई। आज सीजीएल 2021 का Tier 1 का फाइनल आंसर की जारी हो गया है। 12 जुलाई को मार्क्स भी आ गया था, लेकिन उसका फाइनल आंसर भी आज जारी हुआ है। लेकिन 18 अप्रैल थर्ड शिफ्ट में एक सवाल का आंसर उन्होंने एसएससी ने गलत दिया था। हम लोग ने चैलेंज किया, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि फाइनल आंसर की में उस सम का, उस मैथ का जो आंसर है वो गलत ही रह गया है। तो आइए देखते हैं कौन सा वाला सम है वो। ये मैं ओपन कर रहा हूँ मेरा आंसर की। यहाँ पे बोल रहा है, एसएससी बोल रहा है कि 18 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा, लेकिन हमें लगता है कि इसका सही जवाब 16 सेंटीमीटर है। तो क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है? डी वाला, इस 7 वाला क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, ठीक है? तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? बोला गया है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर। ये बना लिया ट्राइंगल पी क्यू आर। एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर सच दैट, एस इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, एस इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एस इज दी बाइसेक्टर। ये पी एस बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब ये एंगल सेम है, ठीक है? ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, मतलब एंगल क्यू पी आर का बाइसेक्टर है पी एस, मतलब ये दोनों का, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। ये पी क्यू 12 सेमी, पी क्यू है 12 सेमी, क्यू एस है 3 सेमी, क्यू आर है, क्यू आर पूरा है 7 सेंटीमीटर, क्यू एस है 3 सेंटीमीटर, कहाँ गया? क्यू आर पी एस इज दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। हाँ, तो क्यू एस 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 7 सेंटीमीटर, क्यू आर पूरा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है? पूरा है 7 सेंटीमीटर, क्यू एस 3 सेंटीमीटर, मतलब एस आर कितना होगा? एस आर होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा क्यू आर 7 है। तो बोला गया है पी आर कितना होगा, पी आर को हम एक्स पकड़ लेते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर पी एस एंगल पी का बाइसेक्टर होगा, देन पी क्यू बाई पी आर, मतलब जिस एंगल का बाइसेक्ट हुआ है उसके दोनों साइड, ये पी क्यू बाई पी आर इज इक्वल टू होगा, इसका रेशियो होगा क्यू एस इज टू एस आर, क्यू एस बाई एस आर। ये है रूल, ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है? ये सबको मालूम है, ये बहुत पॉपुलर सम है, एसएससी में बहुत बार आता है। तो पी क्यू कितना है? 12 है। पी आर कितना है उसको मालूम करना पड़ेगा, एक्स क्यू एस है 3 और एस आर है 4। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 से 12 को क्रॉस करेंगे, कैंसिल करेंगे, 4 आएगा, 4 × 4 16 सेंटीमीटर आ रहा है आंसर, एक्स इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है? एक्स इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर आ रहा है। हम लोग सब, मैंने और मेरे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ने 16 सेंटीमीटर को करेक्ट किया है, लेकिन एसएससी फिर भी बोल रहा है ये 18 सेंटीमीटर होगा। 18 सेंटीमीटर कभी भी नहीं होगा। आप ही बोलिए आपका आपका क्या राय है इस बारे में, ठीक है? आप लोगों में से भी बहुत सारे 18 अप्रैल थर्ड शिफ्ट का कैंडिडेट होंगे, तो आप लोग का क्या राय है, इसको क्या किया जा सकता है? ये फाइनल आंसर की एसएससी ने जारी कर दिया है, और ऑब्जेक्शन रेस तो ज़रूर हुआ होगा। एक शिफ्ट में करीब करीब 1 लाख कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, तो 1 लाख में कोई भी ऑब्जेक्शन रेस नहीं करेगा, ये तो शायद मुमकिन ही ना हो। तो क्या 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 किया जा सकता है, आप लोग अपना राय दीजिए, ठीक है? आज के लिए इतना ही, ठीक है? बाय बाय।